पौश इलाके में वृद्ध महिला की हत्या के बाद अब शहर में हर कोई सकते में आ गया है। यह घटना मतदान की पूर्व संध्या को हुई, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर लाहौटी के घर के पास पंजाबी मोहल्ला में रहने वाली धर्मस्वरूप बत्रा की पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जिस समय यह घटनाक्रम घटित हुआ उस समय घर पर कोई नहीं था। जब देर शाम धर्मस्वरूप बत्रा अपने घर पर लौटे उसके बाद पत्नी को मृत अवस्था में पाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन आज चुनाव होने के चलते इस तफ्तीश को थोड़ा विराम दिया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो दो युवक को चोरी करने की नीयत से घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं सूत्र यह भी बताते हैं कि कदकाठी और देखने में युवक गुनाह का प्रतीत नहीं होता। हालांकि पुलिस अधिकारी ने अभी तक किसी सीसीटीवी फुटेज के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। बहुत देर से आपको फोन लगा रहा हूँ, वो भी आपको फोन लगा रहा है। नयापुरा गुना में धर्मचंद बत्रा साहब की वाइफ के उनके घर पर मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना हम लोगों के पास हुई थी। जब घर पर हम पहुंचे तो देखा कि उनके किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या करके उनके शव को डाला गया है और उसकी अपराध पंजीकृत करके उसने किया है। किस समय की घटना रही होगी कुछ जानते हैं? ये सूचना तकरीबन 9 बजे हम लोगों को मिली है, 9 के पहले की घटना है वो। सर सूत्रों से क्या जानकारी मिल रही, लगभग क्या हो सकता है? प्रारंभ कर दिए विवेचना हम लोगों ने, निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी इसका खुलासा भी करने का।